हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम आपके लिए बैक टू बैक क्लासेस लेकर के आ रहे हैं और हम आपका पूरा जो नया सिलेबस है, सेमेस्टर वाइज जो आपका सिलेबस हो गया, चाहे फर्स्ट ईयर के हो, सेकंड ईयर के हो, वो सारा कुछ हम आपका कंप्लीट करवा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं नवीनतम सिलेबस के अकॉर्डिंग। नया सिलेबस 2023 का होने वाला है, BA सेकंड ईयर का थर्ड सेमेस्टर हिंदी। थर्ड सेमेस्टर क्यों है, इस पर हमने पहले भी वीडियो में बात किया हुआ है, जिसमें हमने पहली बार आपको बताया हुआ था कि जो आपका बीए सेकंड ईयर है उसमें आता है थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर। फर्स्ट ईयर में फर्स्ट एंड सेकंड आता है, थर्ड ईयर में आता है आपका, सॉरी सेकंड ईयर में आता है आपका थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर, एंड थर्ड ईयर में आता है आपका जो है फिफ्थ एंड सिक्स सेमेस्टर। सिक्स सेमेस्टर में आपका पूरा बीए बटा हुआ है, तो इसीलिए बीए सेकंड ईयर ये तृतीय सेमेस्टर है। हिंदी के बारे में बात करने वाले हैं और जो तृतीय सेमेस्टर का हिंदी का पेपर है उसका नाम है आपका हिंदी गद्य। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि इसके अंतर्गत हमारा सिलेबस क्या है और हिंदी गद्य में हमको पढ़ना क्या क्या चीज़ें हैं, तो वो सारा कुछ आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। और आपको पता होगा कि हर सब्जेक्ट जो आपका है उसके जो यूनिट्स हैं वो कितने यूनिट्स में बटे हुए हैं, 8 यूनिट्स में बटे हुए हैं। तो देखते हैं इसमें एक एक यूनिट में हमको पढ़ना क्या है। तो देखो, पहला यूनिट जो इसका है, इसमें आपको पढ़ना है हिंदी गद्य का विकास, कि हिंदी गद्य का विकास कैसे हुआ। पहले यूनिट में आपको यही पढ़ना है, जिसमें आपका आता है कि भारत में गद्य लेखन की परंपरा, कि भारत में गद्य लेखन की परंपरा की शुरुआत कैसे हुई, कैसे ये परंपरा चली। इसके बाद आता है आपका हिंदी गद्य की पृष्ठभूमि और विकास, कि हिंदी गद्य की जो पृष्ठभूमि बनी, हिंदी गद्य की शुरुआत कैसे हुई और इसका विकास कैसे कैसे हुआ। और इसको जो पढ़ना है, हिंदी गद्य की पृष्ठभूमि और विकास को, इसको पढ़ना है तीन रीतियों के बारे में, जिसमें आता है आपका आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल। इनके संदर्भ में पढ़ना है कि हिंदी गद्य की पृष्ठभूमि कैसे बनी और विकास कैसे हुआ, जिसमें इन तीनों कालों के बारे में डिस्कस करते हुए इसके संदर्भ में पढ़ना है। इसके बाद आधुनिक काल में हिंदी का प्रारंभिक गद्य, कि आधुनिक काल में हिंदी का प्रारंभिक गद्य कौन सा था, कैसे शुरुआत हुआ आधुनिक टाइम पीरियड पे हिंदी। इसके बाद जो है आता है आपका आधुनिक कालीन व्यक्तियों एवं संसाधनों का, संस्थाओं का भूमिका, कि हिंदी के विकास में जो आधुनिक कालीन इस टाइम पीरियड के जो व्यक्ति हैं या उनकी जो संस्थाएं हैं उनकी भूमिका क्या रही है, उन्होंने हिंदी के विकास को किस तरीके से प्रभावित किया हुआ है। एंड इसके बाद आता है आपका 19वीं सदी में हिंदी गद्य लेखन के विविध आयाम, कि 19वीं सदी में हिंदी गद्य लेखन के अलग अलग आयाम क्या हैं, अलग अलग चीज़ें क्या हैं जिससे हिंदी गद्य लेखन को इन्हेंसमेंट मिलती है। इसके बाद आता है आपको पढ़ना है यूनिट नंबर 1 में हिंदी गद्य के विकास में पत्रिकाओं की भूमिका, जो पत्र पत्रिका हैं तो हिंदी गद्य के विकास में इनकी क्या भूमिका रही है, इस चीज़ के बारे में बात करनी है। तो यूनिट 1 में आप देख रहे हैं कि पूरा हिंदी गद्य का विकास कैसे हुआ, जैसे कि भारत में गद्य लेखन की परंपरा, हिंदी गद्य की पृष्ठभूमि, विकास, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, मतलब बेसिकली आपको पूरा हिंदी गद्य के विकास के बारे में समझना है। इसके बाद आता है आपका यूनिट नंबर 2, जिसमें आपको हिंदी नाटक और एकांकी के बारे में समझना है, कि नाटक और एकांकी क्या होता है। तो इसमें दो चीज़ें पढ़नी है, एक नाटक और एकांकी, दो चीज़ें। अब नाटक में जो आपको सेकंड यूनिट में पढ़ना है, उस नाटक का नाम है ध्रुव स्वामिनी। क्या नाम है? ध्रुव स्वामिनी। इसका राइटर है कौन? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई ध्रुव स्वामिनी नाटक के बारे में बात करना है। और जब इस नाटक के बारे में आप समझ रहे होंगे तो उसमें कुछ आलोचना के बिंदुओं को समझना पड़ेगा, आलोचना के बिंदुओं को पकड़ना पड़ेगा। उसमें कौन कौन से पॉइंट्स पर बात किया गया है, जब इस जो है ये जो नाटक है ध्रुव स्वामिनी इसके बारे में बात किया गया है, तो कौन कौन से पॉइंट्स पर इसकी आलोचना किया गया है, किन किन पॉइंट्स पर इसको समझना है हमको। तो पहली चीज आती है आपका जयशंकर प्रसाद की नाट्य कला कैसी थी, उनका परफॉर्मेंस कैसा था, नाट्य कला कैसी थी वो। दूसरा है नाटकों के तत्वों के आधार पर ध्रुव स्वामिनी की समीक्षा, कि नाटक के जो तत्व थे उनके आधार पर अगर हम ध्रुव स्वामिनी जो नाटक था उसकी समीक्षा करें तो किस तरीके से करेंगे। अगला चीज है ध्रुव स्वामिनी में इतिहास की, ये इतिहास से किस तरीके से कनेक्टेड है। कल्पना और आधुनिक संवेदना, कल्पना और आधुनिक संवेदना ध्रुव स्वामिनी को लेकर के लोगों के अंदर आधुनिक संवेदना क्या है। इसके बाद ध्रुव स्वामिनी का चरित्र चित्रण कैसा था, उस चीज के बारे में बात करनी है। तो ये एक नाटक है ध्रुव स्वामिनी, जिसके बारे में इन सभी टॉपिक्स पर समझना पड़ेगा हमको, इन सभी टॉपिक्स के बारे में टच करना पड़ेगा। अब इसके बाद जो सेकंड टॉपिक हमारा इसमें आता है वो क्या है, एकांकी। और यहां पर एक एकांकी के बारे में बात किया गया है, जिस एकांकी का नाम है औरंगजेब की आखिरी रात। इस एकांकी का नाम क्या है? औरंगजेब की आखिरी रात। और इसके राइटर है राजकुमार वर्मा। अब इसमें आलोचना के कौन कौन से पॉइंट है, कौन कौन से बिंदु है जिनके आधार पर इसको समझना है, जिसके आधार पर इसको पढ़ना है। तो इसमें आप देखोगे तो एकांकी के तत्वों के आधार पर औरंगजेब की जो आखिरी रात है उस एकांकी की समीक्षा, यानी कि एकांकी में जिन तत्वों का यूज किया गया है उसके आधार पर अगर हम समझना चाहें तो औरंगजेब की आखिरी रात जो कविता है, जो एकांकी है, उसकी समीक्षा करना है। दूसरा चीज है आपको जो इसमें करना है वो है एकांकी का प्रतिपाद क्या होगा, तो इस चीज के बारे में समझना है। तो इस तरीके से सेकंड यूनिट में आपको हिंदी का नाटक और एकांकी कैसे है, इनके कौन कौन से पॉइंट्स हैं, वो सारा कुछ क्लियर करना है।
इसके बाद आ जाता है आपका यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 में आता है आपका हिंदी उपन्यास, और यहां पर एक उपन्यास के बारे में बात किया गया है। थर्ड यूनिट में एक उपन्यास आपको पढ़ना है जिसका नाम है गबन। क्या नाम है उपन्यास का? गबन। अब गबन जो आपका उपन्यास है, ये गबन उपन्यास लिखा गया है किसके द्वारा? प्रेमचंद्र जी के द्वारा। तो प्रेमचंद्र ने गबन उपन्यास को लिखा है। अब इसके बारे में आपको पढ़ना क्या है, कौन कौन से पॉइंट्स हैं, कौन कौन से बिंदु हैं जिसके आधार पर हमको इस चीज को समझना है। तो इसमें पहला आता है आपका प्रेमचंद्र की उपन्यास कला, कि प्रेमचंद्र की जो उपन्यास लिखने की कला है वो कैसी है, मतलब उनके उपन्यास कला पर आपको वर्णन करना है। दूसरा चीज आ गया उपन्यास के तत्वों के आधार पर जो गबन जो उपन्यास है, इस उपन्यास की समीक्षा, कि इसके जो तत्व यूज किया गया है इसमें, उन तत्वों के आधार पर हम किस तरीके से कह सकते हैं ये गबन उपन्यास कितना बेस्ट है, कितना बेहतर है। इसके बाद आता है आपका गबन के नायक नायिका का चारित्रिक विशेषता, यानी कि गबन जो उपन्यास लिखा गया इसमें कुछ नायक थे जिन्होंने भूमिका निभाया है, नायिका है, तो उनके चारित्रिक चित्रण क्या है, उनकी विशेषताएं क्या है चरित्र को लेकर के, उसके बारे में बात करनी है। इसके बाद गबन उपन्यास का उद्देश्य क्या है, कि गबन क्यों लिखा गया, प्रेमचंद ने गबन उपन्यास क्यों लिखा, और क्या चीज है, और उसकी प्रासंगिकता क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है समाज में, इस चीज के बारे में बात करनी है। तो ये था आपका यूनिट नंबर 3, जिसमें हिंदी उपन्यास जो कि गबन उपन्यास है, प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया है, उस चीज के बारे में आपको अच्छे से समझना है। अब आइए देखते हैं चौथे यूनिट में आपको क्या पढ़ना है। फोर्थ यूनिट में आपको जो पढ़ना है वो है हिंदी कहानी 1, यानी कि अभी तक हमने उपन्यास देखा, एकांकी देखा, अब हमको देखना है क्या है, कहानी। अब कहानी में देख सकते हैं पहली कहानी का यहाँ पर जिक्र किया गया है आकाशदीप। जो कहानी ये लिखी गई है ये जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। कौन सी कहानी? आकाशदीप। और इसी में एक और कहानी है हार की जीत, जो कि लिखा गया है सुदर्शन जी के द्वारा। तो इन दोनों कहानियों के बारे में इस फोर्थ यूनिट में हमको पढ़ना है, इन दोनों कहानियों के बारे में, आकाशदीप और हार की जीत। इसको जयशंकर प्रसाद ने, उसको सुदर्शन ने लिखा हुआ है। अब इन दोनों की आलोचना के बिंदु अगर देखें, मतलब कि इसके अंतर्गत हमको कौन कौन से चीजें पढ़नी है, तो उसमें सबसे पहले पढ़ना है कि कहानी के तत्वों के आधार पर आकाशदीप और हार जीत की जो कहानियां हैं उनकी समीक्षा करना है, कि कहानी में जो जो तत्वों का यूज किया गया है उन तत्वों के आधार पर हमको ये बताना है कि आकाशदीप और हार जीत की जो कहानियां हैं इनकी समीक्षा करो कि कहानी कैसी है। आगे क्या करना है कि पठित कहानियों के कथानक का सार और विशेषताएं, यानी कि जो ये कहानियां पढ़ी गई हैं, चाहे वो आकाशदीप हो या फिर वो हार की जीत है, उनके सार क्या है और विशेषताएं क्या है इन कहानियों की, इसके बारे में डिस्कस करनी है। एंड इसके बाद आता है आपका जयशंकर प्रसाद तथा सुदर्शन की कहानियों और कलाओं की विशेषताएं लिखी है, यानी कि जयशंकर प्रसाद और सुदर्शन जिन्होंने इन दोनों कविताओं को लिखा हुआ है, इनकी अपने जो है कहानी और कला की विशेषता क्या है उसके बारे में लिखना पड़ेगा। तो यूनिट नंबर 4 में आपको ये सारी चीजें करनी है। इसके बाद आ जाता है आपका यूनिट नंबर 5, जिसमें हिंदी कहानी नंबर 2 आता है, जिसमें आपका आता है कौन कौन सी कहानी। पहली कहानी आता है आपका लालपन की बेगम। लालपन की जो बेगम है, इस कहानी के राइटर है फणीश्वर नाथ, और दूसरी कहानी है पिता नाम की, जिसके रचनाकार है ज्ञान रंजन। और देखो ये दो कहानियां इसमें आती है यूनिट नंबर 5 में, जिसके आलोचना के बिंदुओं के बारे में बात किया जाए ना, तो सेम उसी तरीके से है कि कहानी के तत्वों के आधार पर लालपन की बेगम और पिता की कहानियों की जो है समीक्षा कीजिए। ऐसे ही इन दोनों कहानियों की भी क्या करना है, समीक्षा करना है। पठित कहानियों के आधार पर इनकी सार जो है लालपन का और पिता का, इनका सार और विशेषताएं बताइए। और जो है फणीश्वर और ज्ञान रंजन की जो कहानी और कला है उसकी विशेषताएं बता दी, यानी कि सेम एज जैसा ऊपर है, बस केवल ये कहानियां बदल गई हैं और लेखक बदल गए हैं। तो सेम चीजें आपको यूनिट नंबर 5 में भी करनी है। अब आइए आगे बढ़ते हैं यूनिट नंबर 6 की तरफ। यूनिट नंबर 6 में आपको निषेध नंबर 1 बताया गया है। अब इसमें भी कुछ कहानियां, कुछ कृत्य हैं, जिसमें आपका आता है मजदूरी और प्रेम। इसके राइटर है सरदार पूर्ण सिंह, एंड दूसरी जो है वो है करुणा रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखी गई। इनकी आलोचना के बिंदु क्या है, किन किन पार्ट्स पर हमको इनके ध्यान देना है, तो इसमें आपको मजदूरी और प्रेम जो ये निबंध है इसका प्रतिपाद और इसकी समीक्षा करनी है, कि मजदूरी और प्रेम जो निबंध है इसका प्रतिपाद क्या होगा, इसकी समीक्षा हम करेंगे तो क्या चीजें निकल करके आएंगी। फिर हिंदी निबंध और रामचंद्र शुक्ल की जो करुणा निबंध है इसका प्रतिपाद, यानी कि हिंदी निबंध यानी कि जो आपका मजदूरी और प्रेम है, और तो दूसरा रामचंद्र शुक्ल की जो करुणा है इनका प्रतिपाद करना है, कि इनका प्रतिपाद अगर हम करेंगे तो क्या चीजें निकल करके आएंगी। तो यूनिट नंबर 6 में निषेध नंबर 1 में ये चीजें करनी है। एंड यूनिट नंबर 7 में आप देख सकते हैं निषेध नंबर 2। निषेध नंबर 2 में दो कविता है, कहानियां आपकी देवदारू जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, और मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये विद्यानिवास मिश्र ने लिखा है।
तो इन दोनों कहानियों को हम आलोचना के आधार पर क्या कह सकते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स के आधार पर इनको हम समझ सकते हैं? तो इसमें आपको देखना है कि ललित निबंधकार के रूप में हजारी प्रसाद द्विवेदी का स्थान, यानी कि इन्होंने जो ये लिखा हुआ है देवदारू, तो ललित निबंधकार इनको कहा जाता है। तो ललित निबंधकार के रूप में हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या स्थान है, क्या इनकी योग्यताएं हैं? इसके बाद देवदारू की समीक्षा करनी है, उसके बाद विद्या निवास मिश्र की निबंध शैली की विशेषताएं बतानी है कि विद्या निवास जो मिश्र है उनकी निबंध की शैली क्या है, वो किस तरीके के निबंध बनाते हैं, ये चीज के बारे में बात करनी है। और अगला है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इसका सारांश और समीक्षा करनी है कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है इसका सारांश क्या होगा, इसकी समीक्षा क्या होगी। तो ये सारा आता है आपका यूनिट नंबर 7 में। अब आइए बात करते हैं यूनिट नंबर 8 की। 8th यूनिट है आपका हिंदी की नवीन गद्य विधाएं, यानी कि हिंदी में नए नए गद्य लिखने के जो तरीके आए हैं, जो विधाएं आई हैं जिसके माध्यम से हिंदी गद्य का विकास हुआ है, वो कौन कौन सी चीजें हैं? तो इसमें आ जाता है आपका बायोग्राफी, जो जीवनी लिखी जाती है ये भी हिंदी गद्य का ही एक पार्ट है। इसके बाद जो ऑटोबायोग्राफी लिखी जाती है, जो आत्मकथा है, ये भी जो है हिंदी गद्य का ही चीजें आती हैं, हिंदी गद्य से रिलेटेड है। रेखाचित्र लिखे जाते हैं, रिपोर्टाज हो गया, या फिर किसी ने अपनी यात्रा का पूरा वृत्तांत लिख दिया कि हमने यहाँ की यात्रा किया था, जैसे कि जयशंकर प्रसाद ने भी लिखा हुआ था, और भी कई सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत लिखे, डायरिया कुछ लोग लिखते थे, डायरी, व्यंग हो गया, पत्र साहित्य हो गया, संस्मरण हो गया, साक्षात्कार विधाओं का स्वरूपगत परिचय हो गया। तो ये सारी चीजें हिंदी की जो नई गद्य विधाओं के अंतर्गत आते हैं, कि मतलब नई नई चीजें जो हिंदी के अंदर डेवलप किया गया, तो ये सारी चीजें उसके अंतर्गत आते हैं, ये जो भी पोर्शन है। तो ये थे पूरे 8 यूनिट आपके हिंदी गद्य के BA सेकेंड ईयर तृतीय सेमेस्टर हिंदी के, हिंदी गद्य से रिलेटेड ये 8 यूनिट्स थे जिनको आपको पढ़ना है BA सेकंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दिया कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, जिससे कि उनकी हेल्प हो सके, क्योंकि जितने लोगों तक हम पहुंच पाएंगे ना, जितने लोगों तक हमारी रीच होगी, उतने ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सकेगी, और भी यूट्यूब को भी पता चलेगा अगर आप इस पर रिस्पॉन्स करते हो, शेयर करते हो, तो उसको भी पता चलेगा कि वीडियो अवेलेबल है, तो वो और भी लोगों तक इस चीज़ को प्रेफरेंस करेगा और भी लोगों तक पहुंचाएगा। तो प्लीज़ सभी लोगों के पास शेयर जरूर कीजिए, जिससे कि सभी की हेल्प हो सके और हम ग्रो कर सके। ओके मेरे दोस्त, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।